डिप्रेशन की आपने कितनी वर्कशॉप में की? देखिए क्या है कि सबसे पहले कि ये फिल्म जब हमने की तो हमें भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था 370 का, ये जो है मुद्दा 370 एक्चुअली है क्या, तो उसके बारे में पता चला और पता चला कि ये जब हो रहा है तो जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो आई थिंक हम लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा है अगर सब लोगों को सच्चाई दिखानी कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हम लोग अपने आप को लकी मानेंगे क्योंकि क्या हुआ कि हमने तो फिल्म कम्प्लीट कर दी, उसके बाद इस मुद्दे पे बात हुई और उसके बाद ये मुद्दा एबॉलिश किया गया, मतलब 370 उसके बाद ख़त्म हुआ। ये पिक्चर पहले बनी हमारी, ऐसा नहीं है कि ये हुआ तो हमने बनाया और हमने इतनी जल्दी मसाला तैयार नहीं होता, इट टुक टाइम। सो वी आर लकी कि हमने इस मुद्दे पे बात की और इस मुद्दे के बारे में अब लोग बात कर रहे हैं और लोगों के सामने सारी सच्चाई आएगी। डेफिनेटली आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ सूरज नाम है मेरे कैरेक्टर का, कश्मीरी पंडित, और वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ कैसे रहते थे, उनकी क्या ज़मीन थी, बाग थे, क्या थे, उनका क्या हुआ और कैसे यू नो सब छोड़ छाड़ के उन्हें आना पड़ा, इज दिस द फिल्म ऑल अबाउट। छोटे में बताऊँगा। राइट, जैसे आपने कहा कि ये फिल्म पहले बनी है तो धारा 370 खारिज होने के बाद क्या इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े या फिर? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था कि यू नो हम ये दिखाना चाहते कि एक्चुअली क्या था और क्या हुआ था। ओके, वो खारिज तो बाद में हुई तो लोगों को अच्छा लगेगा कि यू नो अच्छा हुआ कि आपने हमें बताया कि एक्चुअली क्या था और अच्छा हुआ कि शायद खारिज हो गया। ओके मैम, आपसे जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। और मेरा किरदार ये है, मैं कश्मीरी पंडित की वाइफ एंड जो हालात से हम गुजरे हैं, मतलब वो कैरेक्टर्स गुजरे हैं, तो देखने के बाद लगता है कि वाकई में उनके साथ काफ़ी अच्छा नहीं काम किया, बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में सचिव जैसे ही बोलने का हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, करते करते पता चला कि अच्छा ये सब कुछ हुआ था उनके साथ, यू नो इट इज़ सैड थिंग बट थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। खत्म हो गया। तो आप किसी कश्मीरी पंडित से मिले थे कोयो किरदार? नहीं, रेफरेंस लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव टॉपिक है ना, भला अगर हम उसको छेड़ें। हाँ, मतलब न्यूएंसेस लेने के लिए वो सब करने के लिए डेफिनेटली दोस्त हैं मेरे, तो मुझे उससे फ़ायदा हुआ कि कैसे क्या रहते थे क्या था। बट बाकी ये टॉपिक ऐसा है ना कि यू नो आप बोल नहीं सकते उनको कि यार मेरे को वो बता क्या, तो इट वॉज़ वेरी सेंसिटिव। हम नहीं चाहते थे कि क्या है कि हम पूछेंगे वो लोग कुछ गलत समझेंगे, पहले ही जो है हम बता रहे हैं कि यू नो गलत हुआ तो उसके बाद में हम कैसे उसको छेड़ें। तो बन जाए, हमारा मुद्दा ये था कि हम बन जाएं तो मुद्दा 370 दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों दिखाना चाहते हैं। जरीना मैम, जैसे हितेन ने कहा कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो साइन करने से पहले ऐसा कुछ लग रहा था कि कंट्रोवर्सी हो सकती है या फिर ऐसा कोई डर था? नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये फिल्म जब मेरे पास आई थी मुझे इसके बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि मतलब ये सब हुआ था। जब हम काम कर रहे थे तब जाके पता चले कि ये बहुत सारा, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि यू नो हमें ऐसा लगे कि अरे बाप रे कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि हम कुछ गलत बात नहीं बता रहे। जो उन्होंने फेस किया है जो था वो था, वो पूरा रिसर्च किया गया है, वो ऐसा ऐसा हुआ था, उस हिसाब से सिर्फ वो दिखाना था कि क्या हुआ था। हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला अरे बाप रे ये अच्छा था ये बुरा था ये गलत था ये सही था, हम वो नहीं बोल रहे। दिस इज ऑल फॉर द ऑडियंस टू जज के व्हाट हैपेंड वॉज राइट और रॉन्ग, या उसके बारे में क्यों बात हो रही है, मेन बात वो है। तो हमने खाली सच्चाई दिखाई है, आगे इट इज़ ओवर टू द ऑडियंस कि वो कैसे उसे क्या समझते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं या वो क्या डिसाइड करते हैं। उन्हें अब पता चलेगा कि वो धारा अगर ख़त्म हुई है या एबोलिश किया गया है तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो अब बता सकते हैं। मैम, आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा हितेन के साथ, जरीना मैम है फिल्म। तो मेरा एक्सपीरियंस पहले बताऊंगी, बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और इससे पहले मैंने थिएटर किया है, वहाँ पे एक्टिंग सीखी है लेकिन मैंने कभी कैमरा एज सच फेस नहीं किया था। हितेन के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कंफर्टेबल रखते हैं ये अपने को स्टार्स को, हमेशा हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। और मैम के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैम हमेशा बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल करती थी, इनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं बैठ कर, सीखा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अमेजिंग। और बाकी भी जितने कैरेक्टर्स रहे हैं, राज सर
और सब लोग, राज सर मेरे भाई का रोल प्ले कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था एक्टिंग करके भी, देख कर कि ऐसे कैसे पर्दे पर या कैमरे के आगे कैसे किया जाता है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और मेरा किरदार इसमें कश्मीरी मुस्लिम लड़की का है, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंपल फैमिली से है। मेरे मॉम डैड जो अम्मी अब्बू हैं मेरे, वो खेतों में काम करते हैं, बहुत सिंपल लोग हैं, तो मेरा उसमें कैरेक्टर है। वो कहीं ना कहीं जाकर आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और वो एक अलग कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं इधर और इधर में कहीं कश्मकश में वो लड़की फंसी है, तो इस तरीके का किरदार। राइट मैम, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होगा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा सा कम नॉलेज था, इसमें सिर्फ डायरेक्टर का पूरा रोल है, डायरेक्टर भी राइटर भी हमारे निसार साहब, उन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं और बहुत अच्छी तरह से लिखा है, क्योंकि क्या है कि वो जो बारीकी है, जो है उधर का जैसा लैंग्वेज होता है वो आना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्टर इसलिए बिकॉज सबसे पहले अगर वो नहीं ये सब्जेक्ट समझेंगे या उन्हें नहीं होगा तो वो हमें कैसे कन्विंस करेंगे या हमें कैसे डायरेक्ट करेंगे। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो एवरीथिंग इज ऑन हिम। अगर कुछ गाली देनी है बाद में तो उन्हीं को देना, तारीफ करनी है तो उन्हीं की करना। मैं दोनों बोल रहा हूँ। जरीना मैम, आपसे जानना चाहूंगा, काफी चुनिंदा फिल्में करती हैं आप, ये फिल्म करने का क्या रीजन था थोड़ा सा उस बारे? क्योंकि मैं था इसमें सीन पे, यू नो। ये फिल्म करने का रीजन ये था कि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड कश्मीरी पंडित की वाइफ का रोल है, मुझे पूरा उस तरह से दिखना भी है, अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट जो मैंने पहले नहीं किया। एक आर्टिस्ट को एक्चुअली चाहिए क्या, बेसिकली कुछ अलग आ जाए तो यू नो एक तरह से एक हंगर होती है, एक भूखा होता है यार आर्टिस्ट की, कुछ अलग आए, कुछ अच्छा आए जो शायद दिनों लोगों को पता नहीं है, हमारे जरिए अगर पता चले, क्योंकि देखिए ऑल सेड एंड डन कुछ भी फिल्में आती हैं, जो भी आती हैं वो लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर बताती हैं, कुछ सिखाती हैं, किसी में कुछ मॉरल होते हैं, किसी में कुछ होता है, ज़रूर उसके ज़रिए मतलब दिखाया जाता है, आगे बढ़ा जाता है कि मतलब वो सब्जेक्ट क्या था, कैसे था, क्यों था। और ये ऐसी जगह है ना कश्मीर के, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई इट्स हेवन, बट उसमें हुआ क्या, क्यों हेवन है और क्या था और क्यों बाद में सब चेंज हो गया और क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इसीलिए ये अलग है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम सारे लोग इसीलिए जुड़े इसमें कि यू नो कुछ अलग करते हैं, अलग आया भी है तो फिर साथ में मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, तो यही है, सब ने साथ में मिलकर मेहनत की है और ऐसे हालात में शूटिंग हुई है, ऐसी ऐसी जगहों पर शूटिंग हुई है, बर्फ में भी, तो यू नो मतलब सब ने अपना 100% दिया है। आखिर में आप तीनों से जानना चाहूँगा, आपने खुद वो किरदार को निभाया है, तो थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताइए कि एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं, कि क्या फील करते होंगे उन लोग, अगर इस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, और 370 क्या खारिज होना सही है या फिर गलत है? अगर करते हुए हमें ये फीलिंग ज़रूर आई थी कि यू नो कि ये जो थी ये धारा जो लगी है बरसों से चली आ रही है, जब से बात हुई है, जब से लिखी गई है, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, लोग बोल भी रहे थे, बहुत बातें भी होती थी कि यू नो 370 की वजह से बहुत दिक्कतें हैं जो भी है। जब हम लोग ये कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर जिए हैं किया है तो हमें लगा है कि एक्चुअली अच्छा हुआ कि धारा 370 निकल गई। मुझे भी यही लगता है कि धारा 370 जो हटी है वो ठीक है, क्योंकि मैंने ये फिल्म करने से पहले मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, तो थोड़ा बहुत मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया है, तो जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी और जो हमने फिल्म करते दौरान जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी या हमने सिचुएशन समझी, तो हमें ज़्यादा मालूम चला कि कैसे लोगों ने क्या क्या फेस किया वहाँ पर, तो बिल्कुल ठीक है। हट थैंक यू सो मच। राखी जी, सबसे पहले जब भी आपका गाना आता है धमाल मचा देता है, तो इस बार क्या गाने में क्या कुछ खास होने वाला है, थोड़ा सा गाने के बारे में बताइए, फिर फिल्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, गाना आशा भोसले जी ने गाया है, मुद्दा 370 जो मेरी फिल्म आ रही है, और लेकिन पोस्टर में कहीं पे भी मेरा फोटो नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाई गई है। लेकिन जो धारा 370 में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक लॉलीपॉप का है। अब आप बोलेंगे लॉलीपॉप कैसे? लॉलीपॉप इसलिए क्योंकि जब किसी को लालच दिया जाता है तो लॉलीपॉप दिखाया जाता है, उसके पीछे कुछ मतलब रहता है। तो जिहाद बनाने के लिए ये जो मौलाना रहते हैं, ये जो बॉर्डर पे कुछ लोग पाकिस्तानी आतंक वाले, इसमें मेरा एक पाकिस्तानी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं,
बहुत ही ग्लैमरस है और डांसर टाइप है, अरेबियन डांसर होती है ना वैसे, तो हूर जिसको हूर दिखाया गया है कि कुछ बच्चों को लड़कों को हूर दिखाते हैं, मौलाना लोग लालच देते हैं, उनको जिहादी बनाते हैं और ये बोलते हैं कि ये हूर एक यहाँ जैसे है ना वैसे देश पे कुर्बान हो जाओ, जिहाद करो, नष्ट नाबूद कर दो लोगों को, आतंक मचा दो लोगों को, मतलब ह्यूमन बॉम्ब बनो, AK-47 लो या तोप चलाओ या आतंकवाद करो देश के लिए, मतलब अपने कौम के लिए कुर्बान हो जाओ तो आपको ऊपर भी एक ऐसी हूर मिलेगी। अरे ठरकी मौलाना, तू ऊपर जाके देखा है क्या कि ऊपर हूर मिलेगी कि छड़ी मिलेगी कि तुमको कढ़ाई में सेका जाएगा कि नरक की अनंत काल की आग मिलेगी? तो मौलाना का काम होता है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई सिखाना, तालीम देना, अच्छी तालीम देना उन लोगों को, अच्छी नसीहत देना, अच्छे रास्तों पे चलाना, ना कि जिहाद के लिए जिहादी बनाना। मुझे आज तक नहीं समझ में आया जिहादी का मतलब क्या है। एक जिहादी का मतलब अलग ही होता है, बट इन्होंने जिहाद का मतलब सुनते ही के मतलब ह्यूमन बॉम्ब लगा दिया, आतंकवाद कर दिया, वायरस और बिल्डिंगों को उड़ा दिया, ये तो गलत हो गया है। इसका मतलब ये नहीं होता है, गलत मतलब कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो अपने कौम के लिए ये बलिदान देना पड़ेगा, अल्लाह खुश होगा। किसने बोला अल्लाह खुश होगा? कौन बोला? अल्लाह कभी खुश नहीं होगा, अल्लाह अपना एक एक बच्चा मरता है, अल्लाह कभी खुश नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू गिरता है। एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह है, और जिन्होंने इतना अच्छा इंसान को बनाया है, मरने के लिए नहीं बनाया, तबाह होने के लिए नहीं बनाया। तो इस शैतान की खाल में कुछ मौलाना है जो शैतान जो है ना वो मौलाना का रूप धारण करके कुछ बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने की जगह, अच्छी नसीहत देने की जगह जिहादी बना दो। तो आपने किरदार को लेकर क्या तैयारियां की थी और क्या आप मैं इसमें एक हूर हूँ, जो खूबसूरत हूर हूँ, जो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पार करने के लिए इस लड़की को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मेरा कैरेक्टर बहुत बड़ा था लेकिन काट दिया गया क्योंकि फिल्म काफी लंबी हुई, ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी ना हो इसलिए मेरा थोड़ा कैरेक्टर काटा गया। अब मेरा गाना है वो थोड़ा सा सीन्स रह गए। और गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाने में क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को? पूरा कुल्लू मनाली कश्मीर में पूरा गाना किया बॉर्डर पे और पूरा ग्लैमरस गाना देखने मिलेगा। एक्चुअली ये बहुत सीधी सादी फिल्म है, कश्मीरी मुद्दों पर है, कश्मीरी पंडित, आतंकवाद, जिहाद पे ये पूरी फिल्म बनी है। बट उसमें एक मेरा तड़का लगा है, जैसे दाल में एक तड़का लगता है वैसे फिल्म में मेरा एक छोटा सा तड़का लगा है। आखिर जी, मोदी जी ने जो 370 खत्म किया है उसको लेके आपकी क्या राय है, क्या खत्म करना चाहिए था या फिर नहीं? 370 जो मोदी जी ने खत्म किया बहुत अच्छा हुआ कि धारा 370 खत्म किया है। तो कहते हैं ना शेर अकेला आता है झुंड में तो सुअर आते हैं, जो झुंड में आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन शेर अकेला आया और कश्मीर हमारा हो गया, तो वहाँ पे धारा 370 हटा दिया गया और कश्मीर हमारा हो गया। और मतलब उन्होंने इमिडिएटली सारे डिसीजन लिए बाय हुक वो क्रूक, अब देश की माएँ जो हैं वो उनके सर से साए नहीं हटेंगे, उनके बच्चों के देश की महिलाएं हैं जो जवान की बीवियां वो विधवा नहीं होंगी, बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया नहीं हटेगा, अब कोई आतंक नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, बॉर्डर पे ले लिया हम ये धारा 370 जब हटाई गई उससे पहले हमारी फिल्म बनी थी मुद्दा 370 और अब हम लोग मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पे भी मेरा भाई फिल्म बनाए तो पाकिस्तान भी हमारा हो जाए। हाँ हाँ, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान सब लोग एक हो जाए और मिलजुल के रहे, मेरा ये मुद्दा है। मैं कोई लड़वाना नहीं चाहती हूँ, मेरा कोई मकसद ही नहीं लड़ाना, मैं तो पीस शांति 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 कराना चाहती हूँ। झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, नेहरू जी को याद करो, ईश्वर अल्लाह को याद करो, लड़ो मत,
राखी जी, इसके अलावा आपकी लाइफ में भी पीस आ चुका है, अब आपकी शादी हो चुकी है, हमने देखा कि सिंदूर लगाकर आप आज ही सुबह लैंड हुए हो, थोड़ा सा बताइए कि कैसी जा रही है आपकी मैरिड लाइफ? मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ शादी के बाद, और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, रितेश इज वेरी लकी कि उन्हें मैं मिली। रितेश जी के बारे में बताइए कि कैसे रहते हो वहाँ पे आप दोनों, और थोड़ा सा कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे नहीं पता, मेरे रितेश के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, इतना पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मीडिया से छुपते फिरते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। तो वो आपको ऐसे क्रिटिसिज्म से डरते हैं, बिकॉज वो बिजनेसमैन है, उन्हें डर लगता है कि राखी कॉन्ट्रोवर्शियल है, राखी के लिए बहुत ट्रॉल किया जाता है, राखी को बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि सच बोलने पर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पे, मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता। राखी जी, इसके अलावा जैसे आपने क्रिटिसिज्म की बात की, दीपक कलाल आजकल बहुत क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं कई जगह पे, भाई भी खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मूवी के बारे में, सिर्फ मूवी के बारे में नहीं, आप क्या बोल रहे? नहीं नहीं मैम, मूवी के बारे में बहुत ये हो जाएगा, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं तुझे पूरा अच्छा बना के भेजता हूँ।